हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम बेसिकली कैटलिस्ट ही हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब ये एक तरह के कैटलिस्ट हैं जो बायोकेमिकल जितनी भी रिएक्शन होंगी उनके अंदर एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, तो उनको हम एंजाइम बोलेंगे। एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल से, लिविंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो फिर एनिमल्स में हो या प्लांट्स में। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके अंदर जो कैटलिस्ट होंगे उनको हम एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम मिलके बनते हैं प्रोटीन से, ये एक तरह के प्रोटीन से मिलके बनते हैं जिनका मॉलिकुलर मास हाई होता है, हाई मॉलिकुलर मास। तो एंजाइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंजाइम को डिफाइन करेंगे, एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड यूज्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर इनका यूज होता है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन हैविंग हाई मोलिकुलर मास। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का इन्वर्जन, जिसमें C12H22O11 यानी कि सुक्रोज। ये सुक्रोज है एक्वस फॉर्म में, जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है बस ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। अब इसके अंदर जो एंजाइम, जो कैटलिस्ट यूज होता है वो एंजाइम होता है, दैट इज द इन्वर्टेज। इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ये जो कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम। सेकंड, जैसे ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल अपने पास कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इंटू ग्लूकोज, माल्टोज इंटू ग्लूकोज। तो जब माल्टोज से ग्लूकोज बनेगा, माल्टोज से जब ग्लूकोज बनेगा तो वहां पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज द माल्टेज। माल्टेज एंजाइम का नाम है। माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11 और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां से ग्लूकोज की यूनिट बनती है, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने पास ग्लूकोज से, ग्लूकोज को हम एल्कोहल में चेंज करें, एल्कोहल में कन्वर्ट करें, तो जिस एंजाइम की हमें जरूरत होती है उसको बोलते हैं जाइमेज। अगर मैं ग्लूकोज है C6H12O6, अगर इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता हूँ C5H5OH, तो जिस एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी दैट इज द जाइमेज। ऐसे और एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, अमीनो एसिड में तोड़ते हैं उन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये अपने पास क्या है? एंजाइम। ये कैटलिस्ट है, बस इन ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब ये प्लांट सेल या एनिमल सेल से मिलके बने हैं और ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब जो रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे हम रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे सबस्ट्रेट वर्ड यूज करते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, एंजाइम के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। तो ऑलमोस्ट वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैटलिस्ट के होते हैं, ऑलमोस्ट वही फीचर है। पहला फीचर, जैसे एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को, कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाई 10^8 टू 10^20 टाइम्स। एंजाइम्स रिएक्शन को इतने गुना, 10^8 टू 10^20 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे ये एंजाइम होते हैं हाईली एफिशिएंट होते हैं, हाईली एफिशिएंट कैसे? अगर वन मॉलिक्यूल है एंजाइम का, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट।
1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। 1 मिनट के अंदर एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। तो ये क्या हो गए, हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। स्पेसिफिसिटी हमने कल पढ़ी थी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने के लिए इनका यूज होता है, तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और एंजाइम होते हैं वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच पे इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, या रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज मैक्सिमम होती है। तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो तो होता है अप्रोक्सीमेट ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो परफेक्ट होता है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए। तो ये परफेक्ट टेम्परेचर है। ऑप्टिमम पीएच होता है 5 to 7 pH, तो 5 to 7 pH पे इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम बोल सकते हैं एंजाइम एक्ट्स एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज परफेक्ट फॉर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। ऐसे ही रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच, दैट इज द 5 to 7। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट इससे रिलेटेड टर्म है कुछ, जैसे है कोएंजाइम। कोएंजाइम कैटलिस्ट के अंदर हमने जो एक्टिवेटर पढ़ा था वही कोएंजाइम होता है, यानी कि इसको हम एंजाइम एक्टिवेटर भी बोलते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको एनहेंस कर देते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हम कोएंजाइम्स। तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंस विच एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय यूजिंग ऑफ देम इन एडिशन टू एंजाइम, हैंस दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। इसलिए हम इनको एक्टिवेटर भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे एंजाइम के साथ अगर हम यूज करें Na पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, तो ये उसकी कैटलाइज जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सिमिलरली इसी मैनर में है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर एंड पॉइजन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो सब्सटेंस होंगे जो एंजाइम के साथ अगर यूज किए जाएं तो उसकी कैटलिक एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे या एज ए पॉइजन काम करेंगे। तो हम बोलेंगे सब्सटेंस विच रिड्यूस और इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ यूज किए जाएं तो या तो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें या उसको इनहिबिट कर दें, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिटर और पॉइजन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप तो क्या होगा, अपने पास एक एंजाइम होगा, ई से लिख रहा हूं मैं एंजाइम को, वो सबस्ट्रेट के साथ, जो भी आपके पास सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट है उसके साथ क्या करेगा, एक कंप्लेक्स बनाएगा जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। ये आपके पास इंटरमीडिएट पहले स्टेप के अंदर। बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स है जिसको मैंने बोला इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो आपके पास इंटरमीडिएट बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है जिसको मैंने इंटरमीडिएट बोला, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके बाद अल्टीमेटली एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि एंजाइम जैसा हमने लिया था वैसा ही ऑब्टेन हो जाएगा, स्टार्टिंग में जैसा लिया था वैसे हमें मिल जाएगा। तो दो स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। एक इसका लॉक की मैकेनिज्म भी है, तो लॉक की मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हम। लॉक की मैकेनिज्म बोलता है कि मान लिया आपके पास कोई एंजाइम है इस तरह से। अब एंजाइम के अंदर जो कैविटी होती है वो स्पेसिफाई होती है, इस तरह से हमने बनाया एंजाइम, ये कोई एंजाइम है। अब आता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कुछ इस तरह का
जो इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा, इस कैविटी के अंदर, इसकी जो कैविटी है उसके अंदर ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, दैट इज अ सबस्ट्रेट। जैसे लॉक होता है ये लॉक की तरह काम करेगा और ये काम करेगा की तरह। जब ये दोनों कम्प्लेक्स बनाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक कम्प्लेक्स बनेगा और वो कम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का होगा। ये आपके पास था एंजाइम और ये आया आपके पास सबस्ट्रेट और ये इंटरमीडिएट बन गया, कम्प्लेक्स बन गया एक। उसके बाद क्या होगा, आपके पास एंजाइम तो रीजनरेट हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा रीजनरेट, दोबारा से मिल जाएगा हमें। ये लॉक और की तरह ही है, ये एंजाइम दोबारा से रीजनरेट हो गया, साथ में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हम ऐसे दिखाते हैं, ये बन गया प्लस आपके पास ये बन गया। तो स्टार्टिंग के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज द लॉक की मैकेनिज्म। इसके अंदर देखो ये स्पेसिफिक हो गया कि आपके पास सबस्ट्रेट है ये और ये आपके पास क्या है एंजाइम, तो इसकी जो कैविटी है उसके अंदर ये बिल्कुल फिट होना चाहिए, तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी है और ये आपके पास क्या जनरेट हो गया प्रोडक्ट एक सबस्ट्रेट से, दैट इज द लॉक की मैकेनिज्म। और इसी के साथ एंजाइम कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द जियोलाइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जियोलाइट क्या होते हैं। अगर हमारे पास सिलिकेट है, सिलिकेट आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, सिलिकेट की जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब सिलिकेट के अंदर एक सिलिकॉन की जगह अगर हम एल्यूमिनियम लगा दें, यानी कि सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दें, तो जनरली ये इनको हम जियोलाइट बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एम एक्स बाई एन ए एल ओ टू एक्स एस आई ओ टू वाई इंटू एम एच टू, और इनको बोलते हैं हम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये तो आपके पास सिलिकेट है और सिलिकेट को एस को आपको एस आई को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम से, तो इनको हम बोलेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट्स, जिसके अंदर जो एन है, और ये एम क्या है, एम कोई मेटल है, जो ये एन है ये एन होता है चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल। जैसे आपके पास एन ए पॉजिटिव हो गया, के पॉजिटिव हो गया, कैल्शियम टू पॉजिटिव हो गया, ये मेटल है। देखो क्या होगा, जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला इस तरह का होता है, ये मेटल होगा कोई, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्स, ये कितनी भी क्वांटिटी एक्स लगी हुई है, एस आई ओ टू वाई इंटू एम एच टू, इनको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी जियोलाइट्स की। और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो जब ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह जब ये काम करते हैं, तो इनका जो पोर का स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो कैटलिटिक रिएक्शन है वो डिपेंड करती है इनके पोर के स्ट्रक्चर के ऊपर, पोर की स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट, साथ में रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट और साइज ऑफ प्रोडक्ट, इनके ऊपर डिपेंड करती है। इसी वजह से इनको सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोला जाता है, यानी कि आप क्या लिखेंगे कि जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स विद जनरल फॉर्मूला दिस। ये जनरल फॉर्मूला इसका, जहां पे एन क्या है, एन इज द चार्ज ऑन मेटल, मेटल कोई भी हो सकती है, एन ए पॉजिटिव के पॉजिटिव, अगर एन ए पॉजिटिव है तो चार्ज कितना हो गया वन, के पॉजिटिव है तो चार्ज कितना हो गया वन, सी ए टू पॉजिटिव है तो चार्ज कितना हो गया टू पॉजिटिव। अब दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम इन सिलिकेट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, ये इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। जियोलाइट हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, द कैटलिटिक रिएक्शन डिपेंड ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल जियोलाइट का ZSM5। अगर हमें अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोकार्बन, तो हम यूज करते हैं ZSM5 जो डिहाइड्रेशन का काम करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करेगा।
अब ये एक जियोलाइट है, ZSM5, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, Z से मतलब है जियोलाइट, S से मतलब है साइव, ऑफ M से मतलब मोलिकुलरिटी, मोलिकुलर पोरोसिटी, पोरोसिटी 5, यानी कि जियोलाइट सीवेज ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5 की जो ये 5 नंबर है ये बताता है कि जो आपके कोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल के पोरस का साइज है उसको बताता है ये ZSM5। तो जियोलाइट सीवेज ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5 इसकी फुल फॉर्म है, और ये काम आता है एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि एक डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो इसी के साथ सरफेस केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू।